यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चार पहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चार पहिया वाहन की चोरी करते थे और फिर इन्हीं गाड़ी से शराब की तस्करी भी किया करते थे। नैनी थाना क्षेत्र के एडीए कॉलोनी से चोरी की गई तीन ब्रेजा कार बरामद कर गाड़ियों की चोरी करने वाले चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त कार का शीशा तोड़कर डिवाइस से गाड़ी अनलॉक करके चोरी किया करते थे। नैनी पुलिस के साथ एसओजी नारकोटिक्स टीम ने वर्कआउट किया है। ये हरीश गाजियाबाद का रहने वाला है और जयप्रकाश कानपुर का रहने वाला है। ये अभी कुछ दिन पहले एक गैंग जो पकड़ा गया था, जो लग्जरी कार की चोरी कर रहा था, जो अपने टैबलेट और लैपटॉप से और कंप्यूटराइज्ड जो उनका लॉक है उसको ओपन करके और ये गाड़ियों को खोल करके रात में लेकर के निकल जाते हैं। ये सबसे पहले इनके टीम के मेंबर्स जो है ये गाड़ियों की रेकी करते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है और उसका फिर देख करके और उसके शीशों पे ये टेप लगाते हैं। टेप लगा करके फिर उसका शीशा ब्रेक करते हैं जिससे कि उसकी आवाज़ ना आए और फैले ना, और उसके फिर जो लॉक है उसको डीएक्टिवेट करके उन गाड़ियों को चोरी करते हैं। और उसमें बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां जो लग्जरी कार्स हैं उनको इन्होंने चोरी किया है। अभी पांच गाड़ियां पहले बरामद हुई थी। ये दो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनको वांछित किया गया था, क्योंकि उस टीम में ये सक्रिय भूमिका इनकी रहती थी। इनके 25,000 का इनाम भी किया गया था। तो दोनों इनामी गिरफ्तार हुए, उनके पास से एमएस कार जो बरामद हुई वो चोरी की निकली वो भी। और इनके गैंग ने करीब 40 गाड़ियां चोरी करके बिहार झारखंड और नागालैंड तक बेचा हुआ, दिल्ली वगैरह भी बेचे इन्होंने, जिस पर हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र ही उन गाड़ियों को भी बरामद किया जाएगा। इनको एकदम सही आपने कहा, जो पूर्व में इनकी जो टीम थी उसमें जो लड़के थे जो एमसीओ वगैरह भी किए हुए थे, तो जो एआरटीओ के यहाँ से जैसे कागज़ तैयार होता है उसी तरह से एकदम गाड़ियों का कागज़ तैयार करना और लोगों को नई गाड़ी के तौर पे बेचते हैं। इनको ये सबसे पहले पता हो जाता है कि कौन सी गाड़ी चोरी गई है, तो उसका मेन मॉडल सब देख लेते हैं कलर, फिर उसी तरह की गाड़ी चोरी करके उसी नंबर को ये उस पर पूरा दे देते हैं, तो जिससे आम तौर पे देख करके आदमी नहीं बता पाता कि ये गाड़ी चोरी की है। अब इनके गिरोह से जो दो लड़के मिले, कुल मिलाकर के हम लोगों ने 6 लग्जरी कार्स बरामद की है हमारी टीम ने, जो हमारी नारकोटिक्स और जनपदी टीम है, इन्होंने तत्काल एक्शन किया था, उस पर बरामद हुए और उस पर लगे रहे तो ये दो लड़के और मिले, एक कार मिली है। अभी और भी गाड़ियां बरामद हो सकती हैं। इन्होंने ये बताया कि हम पहली बार पकड़े गए हैं, हमने करीब 40 गाड़ियां गैर प्रांतों में बेची हुई हैं और जो बेचे हैं उस पर हम लोग देख भी रहे हैं, उसको बरामद करने का प्रयास चल रहा है। एसओजी टीम ने नैनी इलाके से वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चार पहिया वाहन चोर गैंग के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तीन चार पहिया वाहन टूल्स डिवाइस, ग्राइंडर मशीन, इग्निशन सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व 19 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों का अपराध करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ये लोग ब्रेजा कार के शीशे को तोड़कर कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से हैंडल लॉक खोलते हैं और चुंबकों की मदद से स्टीयरिंग को तोड़ देते हैं, फिर सेंसर चाबी की मदद से इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग मिर्जापुर होते हुए भभुआ बिहार के रास्ते जिला कैमूर बिहार सासाराम ले जाकर अच्छे दामों पर बेच देते हैं। साथ ही ये लोग इन कारों से स्मैक व शराब की तस्करी भी किया करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र से लगभग एक दर्जन कारों की चोरी की है। ये लोग कई राज्यों में घूम घूम कर मारुति ब्रेजा कार की ही चोरी करते हैं, क्योंकि ब्रेजा कार के लॉक को तोड़ने में इन्हें महारत हासिल है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।